गाइस देखिए, अभी हम बस सोके उठे और सोके उठने के बाद सीधा कुछ ऐसा मौसम है, स्नोफॉल ही स्नोफॉल। थोड़ा लाइट स्नोफॉल है बट सही है। हाँ, जाते जाते कम से कम इतना भी देखा है, बहुत है। तो अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और हम बस यहाँ से निकलने वाले हैं 12 बजे तक। फिर देखते हैं आज का क्या स्केड्यूल है, तो चलिए मिलते हैं। स्नोफॉल हुई, इसके बारे में क्या बोलेगा? स्नोफॉल मैंने बहुत मतलब पहली बार देखी है, मेरा बहुत पहली बार बहुत पहली बार एकदम डेस्पिरेशन वाली देखी है इसने, डेस्पिरेशन वाली देखी है, बहुत पहली बार। तो सेम मेरी फीलिंग है, तो मैंने पहली बार भाई मेरे को देख के ना बहुत बढ़िया लगा। भले ये हैवी रेनफॉल नहीं है, लेकिन जो भी रेनफॉल है, स्नोफॉल कभी देखी नहीं, तो रेनफॉल देखे, रेनफॉल निकल रहा है। क्या क्या अब फेंक फेंक दे फेंक दे फेंक दे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बता कैसे लग रहा है हमारा सफर, यहीं खत्म हो रहा है नर्था टॉप और पटनी टॉप का, तो बता कैसे लग रहा है? भाई पूछो मत, जितना एंजॉयमेंट हमने करा है ना अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं करा है। खासतौर जो ये बंदा है ना, ये शुभम, ये जो बंदा है, इस बंदे के बारे में जितना मैं कम बोलूँ ना उतना कम है या ब्रो, पूरा मैं जितना कम बोलूँ मैं उतना कम है। ठीक है, तू बता कैसा, बता हमारा पहला ट्रिप है तुम हम सबके साथ, तो बता कैसा लग रहा है? जब मैंने टिकट करवाई थी तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे को ये ट्रिप बहुत अच्छी लगी, मेरे को तो फाइनली अब हम जा रहे हैं, हम हमारी पैकिंग वैकिंग हो गई है, सामान सारा बाहर जा चुका है, तो अब चलते हैं और बाहर देखते क्या सीन है। इतनी भीड़ लग चुकी है, ये रहा हमारा सामान। नहीं जा रहे, बता भाई, अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी, नहीं भी रुकना भी चाहता हूँ और नहीं भी। पटनी टॉप का हमारा आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। भाई बताओ कैसा लगा होटल का? होटल बहुत अच्छा था भाई, इंटीरियर काफी अच्छा था, लेकिन जो सर्विस थी एक बिल्कुल मतलब माइनस में। अगर हम उसको रूम सर्विस में अगर एक पानी की बोतल मंगवा रहे थे तो वो भी आधे घंटे में आ रही थी, उसको 2 बार फोन करना पड़ा। इमरजेंसी के टाइम पे भाई को नेट की जरूरत थी, तो वो भी उन्होंने ऑन करके, नेट तो भाई 2G था, वाईफाई का 2G था, 2G 3G के बीच में ऑल ओवर 2G। भाई जी सब जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 2G 3G ऐसे ही। भाई पहाड़ों में आए और चाय नहीं पी तो मजा ही किरकिरा है सारा। तो पहले चाय, इतनी कड़ाके की ठंड में। हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। मुंह में चाहिए? नहीं दो। तो ऐसे पैसे आसपास की मार्केट में, 30-31 की मार्केट में देखियो, मैंने चप्पल बजाए बहुत, गजब बेइज्जती है।
तो अभी हम आए हुए कटरा, यहाँ से थोड़ा प्रचार वचार लेते हैं, तो उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन चलेंगे। उससे पहले आप ये क्लिप देखें। तो फाइनली अब हमने सामान ले लिया है अपना प्रसाद वरसाद, तो उसके बाद अब हम चलते हैं। अब कहाँ जाएंगे? हम आ जाएगा हम वापस आ अपनी गाड़ी में। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ गाड़ी में जाएंगे, पर उसके बाद शायद वो स्टेशन पे छोड़ेगा। स्टेशन पर जाएगा, उसके बाद स्टेशन पे थोड़ा वेट करेंगे। स्टेशन में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा वेट करेंगे। हाँ 5 घंटे ना, थोड़े ही है, बस 5 घंटे। तो अभी हमने प्रसाद ले लिया है, अब प्रसाद लेते ही हम सीधा जाएंगे कटरा स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से फिर अपने घर की तरफ। ये हमारा आज आखिरी दिन है यहाँ पे, तो चलिए चल देखते हैं क्या होता है। राहुल राहुल हाँ इधर इधर, आज नहाना चाहिए था यार, बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा तो साले और दिन जो 4-4, 5-5 दिन नहाता उसका क्या? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, और थोड़ा वेटिंग एरिया में वेट करना है, फिर आएगी ट्रेन और फिर हम जाएंगे। हमें यहाँ पर हो गया 2-3 घंटे से वेट कर रहे हैं, और हम बस 3 ही हैं यहाँ पर, बाकी के 9 सारे बाहर भग गए हैं। बंटी तो चूतिया है, मतलब क्या है यार, ये हमारे साथ क्यों होता है? सबसे बड़ी बात देखो, वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बना के गए, आधा सामान उधर पड़ा, आधा सामान यहाँ पड़ा, आधा सामान उधर पड़ा है। नहीं हम क्या है, मजदूर है, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता, क्या मर जाऊँ? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। A few moments later. अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। कुछ फ्रेंड्स यहाँ रुकेंगे, उनको छोड़ने जा रहे छोड़ रहे हैं मतलब, तो देखते हैं, उनको दिखाता हूँ मैं, तुमसे उनसे मिलाता हूँ। एक ये देखो, ये रो रही है फालतू में, ये रो रही है फालतू है। एक एरी बाय मोटू, चलो बाय। अरे गेरा तो अब बस इनका अलविदा करके हम भी बैठते हैं और फिर अपने अपने स्टेशन पे चलते हैं। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और हमारा सफर अब खत्म। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।